अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल माइक्रोबायोलॉजी विद हुरिया खान। तो मैंने पहले वाली वीडियो में आपको माइक्रोबियल जेनेटिक्स का इंट्रोडक्शन दिया था। उसमें मैंने आपको बताया था कि माइक्रोबियल जेनेटिक्स होती क्या है, उसमें हम क्या पढ़ते हैं। तो अब जो आज हमारा टॉपिक है वो है लैक ऑपेरियन के बारे में। इससे पहले मैंने जब माइक्रोबियल जेनेटिक्स ये वीडियो बनाई थी तो उसमें मैंने आपको कहा था कि मैं डीएनए रिप्लिकेशन की नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी। लेकिन अभी जो मेरे फ़ैन हैं उन्होंने लैक ऑपेरियन की बहुत मुझसे रिक्वेस्ट की थी, तो इस वजह से मैंने इसकी आपको इसके बारे में समझा रही हूँ। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टॉपिक है, स्टूडेंट्स को समझ नहीं आता है आसानी से, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है कि हम समझ ना सकें। तो यहाँ पर जो टॉपिक्स हैं जो हमें पढ़ने की ज़रूरत है, तो मैंने यहाँ पर एक हेडिंग डाल के लिखा है टॉपिक्स नीड टू लर्न, यानी कि वो टॉपिक्स जो हमें पढ़ने की ज़रूरत है अभी। तो जिसमें सबसे पहला जो टॉपिक है वो है व्हाट इज़ ऑपेरोन, डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकेरियोटिक जीन एक्सप्रेशन। पहली बात तो ये है कि जो ऑपेरोन वाला सिस्टम है वो सिर्फ और सिर्फ जो सिंगल सेल वाले यानी बैक्टीरिया वगैरह माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें ही ये ज़्यादातर प्रोसेस पाया जाता है, ये ईयोकैरियोटिक्स में नहीं होता। ठीक है, तो अभी मैं डिटेल में भी आपको ये बात समझा दूँगी। सेकेंड वाला है हमारा व्हाट इज़ लैक ऑपेरोन, स्ट्रक्चरल जीन्स ऑफ लैक ऑपेरोन। तो दूसरा हमारा लर्निंग पॉइंट ये है, और थर्ड है लैक ऑपेरोन रेगुलेशन, किस तरह से इसकी रेगुलेशन होती है, हाउ इट वर्क्स, और ये किस तरह से जो है अपना काम करता है किसी भी बैक्टीरिया के अंदर। फैट ऑफ लैक ऑपेरोन इन प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज, अगर लैक्टोज के साथ ग्लूकोज भी शामिल हो तो वो किस तरह से ऑपेरोन अपना वर्क करता है, ये भी मैं बताऊंगी आपको। उसके बाद जो हमारा लास्ट है वो है लैक ऑपेरोन म्यूटेशन, कि जो ऑपेरोन होता है लैक ऑपेरोन, इसमें म्यूटेशन किस तरह से आती है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि ऑपेरोन कहते किस हैं। तो यहाँ पर बहुत ही सिंपल डेफिनेशन मैंने लिखी है, जीन रेगुलेशन इन यूकेरियोटिक्स इज कॉल्ड ऑपेरोन। जो सिंपली ऑपेरोन की बात करेंगे तो ऑपेरोन क्या होता है, जो एक प्रोकैरियोटिक के अंदर जो जीन रेगुलेशन का प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को हम ऑपेरोन कहते हैं। तो ये जो ऑपेरोन का लैक ऑपेरोन का कॉन्सेप्ट था वो डिफरेंट साइंटिस्ट थे, उनमें से एक था जैकब था, मूर था, मतलब दो से तीन साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था लैक ऑपेरोन को। तो जो दूसरी डेफिनेशन है वो ये है, रेगुलेशन ऑफ मेनी जीन्स इन वन प्रोमोटर ऑपरेटर इज कॉल्ड ऑपेरोन। ठीक है, तो ऑपेरोन क्या होता है कि जो प्रोकैरियोटिक्स होते हैं उनमें, अब जैसे यहाँ पर मैं फॉर एग्जांपल आपको एक बनाने के तौर पर समझा दूँ कि यहाँ पर जो है एक हमारे पास क्या है, ये है हमारे पास प्रोमोटर जीन और ये है हमारे पास ऑपरेटर। ठीक है, तो ये जो प्रोमोटर और ऑपरेटर हैं इनमें जो है बहुत सारे या दो से तीन जो है वो जीन्स होंगे। ठीक है, ये एक जीन हो गया, ये दूसरा जीन होगा, ये तीसरा जीन हो गया। तो वो प्रोमोटर ऑपरेटर जो बहुत सारे जीन को एक साथ कंट्रोल करते हैं तो उसको हम ऑपेरोन कहते हैं, उस सिस्टम को भी हम ऑपेरोन कहते हैं। और ये सिस्टम सिर्फ़ और सिर्फ ज़्यादा जो होता है वो किस में होता है, वो प्रोकैरियोटिक में होता है। तो जो मेरा सेकंड वाला पॉइंट था, पहले मैंने आपको ऑपेरोन बता दिया कि ऑपेरोन क्या होता है, फिर सेकंड मेरा पॉइंट क्या था यहाँ पर कि जो इनके जो प्रोकैरियोटिक होते हैं और ईयोकैरियोटिक जीन्स होते हैं, जीन एक्सप्रेशन, इनमें डिफरेंस क्या है। तो इनमें सबसे बड़ा डिफरेंस यही होता है कि जो प्रोकैरियोटिक के प्रोमोटर ऑपरेटर होते हैं ये जो है बहुत सारे जीन को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो ये हम किसकी बात कर रहे हैं, प्रोकैरियोटिक की बात कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, लेकिन अगर मैं यूकेरियोटिक की बात करती हूँ तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर इसमें क्या होता है, इसमें जो प्रोमोटर और ऑपरेटर्स होते हैं, ठीक है, तो हर प्रोमोटर और ऑपरेटर का अपना एक जीन होगा। ठीक है, तो ये हर एक प्रोमोटर और ऑपरेटर का अपना इंडिविजुअल जीन होगा जिसमें वो काम करेंगे। तो
इन दोनों में ये डिफरेंस है, प्रोकार्योटिक में और यूकार्योटिक में। तो यहाँ पर हमें डिफरेंस समझ आ गया। अब यहाँ पर हम आगे देखते हैं कि किस तरह से इसके जो है ऑपरोन के ऑपरोन वर्क एज ऑन ऑफ स्विच, यानी कि जो ऑपरोन होता है ना, ऑपरोन जो वर्ड निकला है ना वो ऑपरेटर से ही निकला है। यहाँ पर जो ऑपरेटर है ना, ये हमें ऑपरेटर की बात कर रही हूँ, तो के तो ये ऑपरेटर क्या करता है, ऑन, इस ऑपरेटर को हम ऑन या ऑफ स्विच भी कहते हैं। कि जो है अगर यहाँ पर लैक्टोज मौजूद है तो ये ऑन हो जाएगा, और अगर लैक्टोज मौजूद नहीं है तो ये रिप्रेसर प्रोटीन के थ्रू जो है ऑफ हो जाएगा। अब किस तरह से रिप्रेसर प्रोटीन क्या होते हैं या ऑन ऑफ कैसे होता है और लैक्टोज कहाँ से आ गया, ये चीज़ें मैं आपको आगे जाके क्लियर करूँगी। तो यहाँ पर जो है क्या बता रहे हैं कि जो है ये किस तरह काम करता है, एज अ ऑन ऑफ स्विच का काम करता है ऑपरेटर। अगर जो है ऑपरोन, इफ़ ऑपरोन ऑन द प्रोटीन इज मैक, अगर जो है ऑपरोन के अंदर जो है प्रोटीन मौजूद होगा, तो जो है यानी कि अगर लैक्टोज मौजूद है तो वो उसको क्या करेगा, उसकी ब्रेक डाउन करके प्रोटीन बनाएगा, ठीक है। तो वहाँ पर वो ब्रेक डाउन हो जाएगा, और अगर जो है वहाँ पर वो ऑफ हुआ हुआ है, ऑपरन सिस्टम अगर ऑफ है तो फिर जो है वहाँ पर यह प्रोटीन नहीं बनेगा, लेकिन अगर ऑपरन सिस्टम ऑन हुआ हुआ है तो वहाँ पर प्रोटीन भी बनना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन भी होगी, ट्रांसलेशन भी होगी, तो इस तरह से जो है वहाँ पर प्रोटीन भी बन जाएगा। तो लैक ऑपरन जो है वो बैक्टीरिया में ज़्यादातर होता है, और लैक ऑपरन जो है वो किस लिए यूज़ होता है, बैक्टीरिया उसको यूज़ करता है लैक्टोज को एज अ कार्बन सोर्स या एनर्जी सोर्स। मतलब कि जो बैक्टीरिया होते हैं, फॉर एग्जांपल इकोलाई है, ठीक है, तो इकोलाई अगर वो किसी भी ह्यूमन बॉडी में है तो वहाँ से वो अपना खाना क्या कैसे लेगा, वो वहाँ पर रह रहा है, फॉर एग्जांपल वो ज़्यादातर जो है इंटेरिक बैक्टीरिया खिलाता है, इस मीन वो कहाँ पर रहता है, इंटेस्टाइन में रहता है। तो इंटेस्टाइन में रह रहा है तो उसको भी रहने के लिए खाने की ज़रूरत है, क्योंकि वो भी लिविंग है, तो फिर वो क्या करेगा, यूज़ करेगा लैक्टोज को, यूटिलाइज़ करेगा इंटेस्टाइन में, ठीक है। तो लैक्टोज में क्या होते हैं, कार्बन सोर्स होते हैं, कार्बन सोर्स, और वो कार्बन सोर्स उनकी क्या है, एनर्जी सोर्स है बैक्टीरिया की। तो इस तरह से ये होता है। अब हमारे पास जो है यहाँ पर एक सिस्टम आता है, मैं वो आपको समझाती हूँ। हमारे पास थर्ड पॉइंट जो आता है, व्हाट इज़ लैक ऑपरोन, यहाँ पर व्हाट इज़ लैक ऑपरोन, स्ट्रक्चरल जीन्स ऑफ लैक ऑपरोन। तो मैं इसका स्ट्रक्चरल जीन आपको बताती हूँ कि इसका स्ट्रक्चरल जीन किस तरह से होता है और जो है ये किस तरह से वर्क करता है। तो अगर मैं स्ट्रक्चरल जीन की बात करते हैं, तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि किस तरह से रेगुलेट कर रहा है। तो यहाँ मैंने लिखा है रेगुलेशन, हाउ डज इट वर्क, तो ये किस तरह से रेगुलेट करेगा, रेगुलेशन करेगा और किस तरह से ये वर्क करेगा। अब मैंने ये पूरी आपको डायग्राम बना के बताया हुआ है कि जो है डायग्राम वे में, ताकि आप इजीली इसको समझ सकें। तो यहाँ पर जो है अब ये क्या है, पूरा डीएनए है, ठीक है। अब डीएनए में ये आपको आई क्या शो कर रहा है, आई जो है इनहिबिटर है यहाँ पर, और ये प्रोमोटर जीन है, ये ऑपरेटर है, और ये जेड वाई ए, ये किसके लैक जो है, लैक जेड, लैक वाई और लैक ए, ये तीन जीन जो है बिल्कुल अलग हैं, ठीक है। अब ये जो जीन है प्रोमोटर और ऑपरेटर, इनको हम कहते हैं कंट्रोल रीजन, ठीक है। ये डीएनए का जो पोर्शन है इसको हम क्या कहेंगे, कंट्रोल रीजन, क्योंकि जितनी भी यहाँ पर एक्टिविटी होगी ये सारे जो कंट्रोल कर रहा होगा ये प्रोमोटर और ऑपरेटर करते हैं, ठीक है। और जब हम दूसरी साइड आते हैं यहाँ पर जेड वाई और ए जीन, तो ये क्या करते हैं, ये स्ट्रक्चरल जीन होते हैं, ठीक है, जो कि प्रोटीन बनाएंगे आगे जाकर। तो इन दोनों जीन का आपका डिफरेंस समझ आए कि एक कंट्रोल रीजन है और दूसरा स्ट्रक्चरल जीन। तो किन कौन सा कंट्रोल रीजन होता है, किन को कंट्रोल रीजन कहते हैं और किन को स्ट्रक्चरल जीन कहते हैं, यहाँ पर ये बात भी आपकी क्लियर हो चुकी है। तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा डिफाइन करने के लिए, आपकी आसानी के लिए भी लिख दिया है। और जो इनहिबिटर है, यहाँ पर एक और चीज़ बताना भूल गई हूँ मैं, तो ये आपका कहलाएगा रेगुलेटरी जीन, ठीक है। तो स्ट्रक्चर ऑफ द ऑपरोन कंसिस्ट ऑफ द प्रोमोटर, जिसको हम पी से शो करते हैं, एंड ऑपरेटर, जिसको हम ओ से शो करते हैं। ऑपरेटर साइट एंड स्ट्रक्चरल जीन्स
that code for the protein. The operon is regulated by the product of the regulatory gene. ठीक है, तो ये इसके थ्रू जो है रेगुलेटरी जीन के थ्रू इसकी जो है आगे जाके प्रोडक्ट तैयार करेगा अगर यहाँ पर ये ऑपरेट हो जाता है तो. ठीक है, तो यहाँ पर आपको इसका स्ट्रक्चर समझ आया. अब मैं यहाँ पर आपको बताती हूँ कि किस तरह से लैक्टोज प्रेजेंट और एब्सेंट होते हैं, यानी कि इनकी रेगुलेशन कैसे होती है, कि ऑफ और ऑन किस तरह से इसका पूरा प्रोसेस होता है. तो यहाँ पर फिर से मैंने एक डायग्राम के थ्रू आपको बताने की कोशिश की है कि यहाँ पर क्या है, इनहिबिटर है, ये प्रोमोटर रीजन है, ये ऑपरेटर रीजन है, और ये तीन जो हैं जेड वाई और ए, ये लेक जेड, लेक वाई और लेक ए, ये तीनों क्या है, ये हमारे पास कौन से जीन थे हमने पीछे पढ़ चुके हैं, ये हमारे पास स्ट्रक्चरल जीन्स हैं जो के प्रोटीन बनाएंगे. ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमारे पास अब ये क्या है, इनहिबिटर है. यहाँ पर सबसे पहले क्या होगा, ये मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर देती हूँ. ये इनहिबिटर जो है ये क्या करवाएगा, ट्रांसक्रिप्शन करवाएगा. ये आपका रिप्रेसर है जिसको हम एमआरएनए भी कह रहे हैं. अब ट्रांसक्रिप्शन हमें पता है, ट्रांसक्रिप्शन हमेशा एमआरएनए के थ्रू होती है, एमआरएनए में होती है. ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया रिप्रेसर प्रोटीन. अगर जो है ये यहाँ पर ऑपरेट हो जाता है, इन केस अगर ऑपरेट होगा, यहाँ पर लैक्टोज प्रेजेंट नहीं है अभी. ठीक है, लैक्टोज एब्सेंट वाला आपको मैं सिस्टम समझा रही हूँ. तो यहाँ पर क्या होगा कि इनहिबिटर के थ्रू ट्रांसक्रिप्शन होगी, रिप्रेसर एमआरएनए बनेगा, ट्रांसलेशन होगी, और यहाँ पर एक रिप्रेसर प्रोटीन तैयार हो जाएगा एक्टिव फॉर्म में. लेकिन यहाँ पर लैक्टोज अभी मौजूद नहीं है, तो यहाँ पर जो एक्टिव रिप्रेसर प्रोटीन है ये किसके साथ जाकर बाइंड कर जाएगा, ये ऑपरेटर के साथ बाइंड करेगा. अब जब ये ऑपरेटर के साथ यहाँ पर आके बाइंड कर जाएगा, तो बाइंड होने के बाद यहाँ पर कोई भी इसको लैक्टोज नहीं मिलेगा. जब इसको यहाँ पर लैक्टोज नहीं मिलेगा तो ये ओपन भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर लैक्टोज तो है ही नहीं जो इसको ओपन करेगा. तो इस तरह से जब ये सिस्टम ओपन नहीं होगा, ठीक है, जब यहाँ पर कोई भी इसको लैक्टोज प्रेजेंट नहीं मिलेगा, तो ये दोबारा से इससे डिटैच होकर अलग हो जाएगा रिप्रेसर प्रोटीन. ठीक है, और ये वापस ऑफ हो जाएगा ये जो ऑपरेटर है. तो इस तरह से जो लैक्टोज है आगे, जो लैक्टोज या आगे वाले जो जीन्स हैं वो क्या करेंगे, वो लैक्टोज को ब्रेकडाउन नहीं करेंगे, क्योंकि लैक्टोज यहाँ पर मौजूद ही नहीं है. तो आगे किसकी जो है ब्रेकडाउन होगा, या फिर किसकी जो है मेटाबॉलिज्म होगी. तो इस तरह से ये सिस्टम क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा. तो ये एक ऑपरेन हो गया. और अगर यहाँ पर पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज आकर यहाँ पर बाइंड भी होगा, तो बाइंड होने के बाद आपको पता है जब आरएनए पॉलीमरेज बाइंड होता है तभी जो है वो ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होती है और जो है प्रोटीन बनकर शुरू होता है, मतलब कि ट्रांसक्रिप्शन होगी फिर ट्रांसलेशन होगी. तो यहाँ पर प्रोमोटर तो तक पहुँच कर ही आरएनए पॉलीमरेज इसको बाइंड कर लेगा, लेकिन जब ऑपरेटर पे सिर्फ कोई यहाँ पर इसको कोई लैक्टोज नहीं मिलेगा, तो फिर यहाँ पर ही इसका सिस्टम जो है वो रुक जाएगा और ये ऑफ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ इसको लैक्टोज नहीं मिला है, क्योंकि आगे वाले जो जीन है वो लैक्टोज के लिए हैं. ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास ये चीज़ हमें समझ आ गई. यही मैंने इधर थोड़ी सी वर्डिंग में लिख दिया है ताकि आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाए. रिप्रेसर एक्टिव, रिप्रेसर कैसे एक्टिव हो रहा है, ऑपरेन ऑफ. रिप्रेसर यहाँ पर एक्टिव हुआ, यहाँ पर ये एक्टिवेट हो गया, लेकिन ऑपरेन जो है वो ऑफ है. कैसे, द रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड्स विद द ऑपरेटर प्रिवेंटिंग ट्रांसक्रिप्शन फ्रॉम द ऑपरेन. जाहिर सी बात है, मैंने आपको यहाँ पे क्या बताया कि ये आरएनए पॉलीमरेज इसके साथ आके बाइंड तो करेगा, लेकिन यहाँ पर इसको कोई भी लैक्टोज नहीं मिलेगा, तो ये आगे इसको प्रिवेंट कर देगा, ट्रांसक्रिप्शन को प्रिवेंट हो जाएगी किसके थ्रू, ऑपरेन के थ्रू. अब यहाँ पर हमारे पास नीचे आता है, तो ये हम मेरे पास जो एक सिस्टम है, मैं इंशाल्लाह आपकी जो नेक्स्ट वीडियो अपनी अपलोड करूँगी उसमें मैं आपको बताऊँगी कि लैक्टोज अगर प्रेजेंट होगा तो किस तरह से सिस्टम होगा. ठीक है, और फिर जो दूसरा वाला सिस्टम है कि इसकी रेगुलेशन और लैक ऑपरेन म्यूटेशन, ये सारी चीज़ें मैं आपको इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी. आई थिंक टुडे इट्स इनफ फॉर यू. सो मेरी नेक्स्ट वीडियो जो है इसी को कंटिन्यू होगी, इसकी पार्ट टू होगी. थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग. प्लीज़ लाइक, subscribe and share my videos if you like my videos. Thank you so much. Allah Hafiz.